नमस्कार दरुस्त न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चेन्नई के तमाम लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, आज यहां पर बारिश हो गई है। तमाम वो लोग जो चेन्नई में रहते हैं वो जरूर नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, बहुत सारी खुशियां मना रहे होंगे, क्योंकि खुशी का मौका ही है। इतने दिनों बाद, इतनी तकलीफों के बाद आखिरकार चेन्नई में बारिश हो गई है और बहुत अच्छी बारिश हुई है। इस बारिश का कारण ये बताया जा रहा है कि चेन्नई में एक जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे एक लो प्रेशर फॉर्म हुआ है और ये बताया जा रहा है कि 27 तारीख यानी कल शाम के बाद ये जो बारिश है इसका धीमापन भी शुरू हो जाएगा, यानी ये एक बहुत स्ट्रांग बारिश नहीं है। इस बारिश को आप एक नॉर्थ वेस्ट बारिश ही कहा जा सकता है, क्योंकि अभी साउथ वेस्ट जो मानसून है वो चेन्नई में बहुत स्ट्रांग होता है। ये जो सिलसिला है ये जुलाई तक इसी तरह से बना रहेगा, यानी पानी ज़्यादा नहीं बरसेगा। अगस्त के महीने के बाद ही यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन इतने प्रॉब्लम में ये जो अभी जो बारिश हुई है वो सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली चीज़ है। एक और आपको हम बात बता दें कि जो पूरे दुनिया में जो 122 देश हैं वहाँ पर हिंदुस्तान का जो नंबर है वो 120 में पहुँच चुका है, यानी इतना वाटर क्राइसिस है, यानी थर्ड लास्ट कंट्री अगर कोई है तो वो इंडिया ही है। अभी भी बहुत समय है, हमारे सरकार को जाग जाना चाहिए, खामा खां की वायदों से हटकर ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। जो पूरा वाटर मैनेजमेंट है जो एक तरह से चरमरा चुका है उसको ज़रूर से ठीक होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले कुछ सालों में ही हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। चेन्नई के लोग इस चीज़ को ज़रूर से समझ चुके होंगे कि आखिर पानी का क्राइसिस होता क्या है। पिछले 6 महीने से यहाँ पर धीरे 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 पानी ख़त्म होता चला जा रहा था और इतना पानी नीचे चला गया कि लोगों को दो दो घड़े पानी के लिए भी अपने जी जान से मुशक्कत करनी पड़ रही थी कि थोड़ा बहुत पानी वो इकट्ठा कर सके। खैर, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, आप लोगों को आशा करते हैं कि आपको ये बारिश पसंद आएगी। और आप भी यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने अपने घरों में टीवी स्क्रीन को देखें, अपने मोबाइल फ़ोन पे जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उसको देखें, चाय बनाएं, पकौड़े बनाएं और इस लुत्फ का मज़ा ज़रूर लें। और चेन्नई वासियों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना कर दें ताकि ये जो बारिश है कंटिन्यूसली और आने वाले 2-4 दिन होती रहे, ताकि इन लोगों का जो भी वाटर क्राइसिस है, जितना भी पानी की समस्या है वो खत्म हो जाए। बने रहें हमारे साथ दरुस्त न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहे जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद, सिया।